प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म का पोस्टर हुआ लॉन्च। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का भी आयोजन। बायोपिक के पोस्टर पर लिखा गया, आ रहे हैं दोबारा पीएम नरेंद्र मोदी, कोई नहीं रोक सकता। देश में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म का नया पोस्टर नितिन गडकरी के हाथों लॉन्च किया गया, जिसमें लिखा गया है कि आ रहे हैं दोबारा पीएम नरेंद्र मोदी, अब कोई नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म के पोस्टर की लॉन्चिंग का कार्यक्रम नागपुर स्थित बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी के आवास पर किया गया। इस दौरान फिल्म के मुख्य कलाकार विवेक ओबेरॉय भी मौजूद रहे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी उपस्थित रहे। एक्चुअली ऐसा है कि मैं इस बात को 10 बार नहीं 50 बार क्लियर कर चुका हूँ। आप लोगों के दिमाग से ये क्यों नहीं निकलता ये मेरे समझ में है, इसीलिए मैं 5-6 दिन से दिल्ली से नागपुर ही आ गया। मुझे लगता है कि मोदी जी को और हमारे पार्टी को पूरी मेजोरिटी मिलेगी और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री बने, यही हमारे सबके लिए हम सब यही चाहते हैं। जहाँ तक मिनिस्टर की बात है, प्रधानमंत्री का प्रिविलेज होता है, अधिकार होता है, और वो जो उसका निर्णय वो महाराष्ट्र में पिछले बार जैसे नतीजे मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल नतीजों से उत्साहित फिल्म के मेकर्स ने सोमवार को ही इस फिल्म का नया पोस्टर जारी किया और इसकी स्क्रीनिंग का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया। संन्यास का पोर्शन था और हम वहाँ एक्चुअली शूट करने गए थे जहाँ पे वो 2 साल के अज्ञातवास में थे और हर्षिल गंगोत्री उस दिशा में -20 डिग्री चल रहा था, -20 और बहुत कठिन था वहाँ शूटिंग करना। हालांकि हमारे पास सारी सहूलियतें थी और लोग थे मदद करने वाले, फिर भी बहुत कठिन था वहाँ पे 5 फुट बर्फ के अंदर शूटिंग करना। तो हमें लगा कि चाहे वो मोदी जी हों चाहे हमारे संत महात्मा जो होते हैं, वो कैसे ऐसी जगहों पर पूर्ण श्रद्धा के साथ रहते हैं, वो मुझे लगा कि बहुत एक कमाल की बात है। अभी जो कम नेताओं से मिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान, सबसे सिंपल, हम्बल, ऑनेस्ट और एक फोन पर अगर किसी भी काम के लिए हाँ बोलते हैं वो सर आप हैं और उसके लिए थैंक यू सो मच। एक और चीज, लास्ट मीटिंग में मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इन पर बायोपिक बनानी है जो इन्होंने मना कर दिया। तो अब आप सब लोगों की रिक्वेस्ट है क्योंकि इनकी कहानी भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है और ये हमेशा देने में बिलीव करते हैं और अपने आप को पीछे रखते हैं। मैं चाहता हूँ सर, फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह से आप सीरियसली लेते हैं, कला को आप अप्रिशिएट करते हैं, मौका दीजिए। हम चाहते हैं आपकी तरह और भी महाराष्ट्र में और पूरे देश में, वर्ल्ड में नेता हों और आपकी तरह लोग आगे बढ़ें और आपकी तरह सोचें। नरेंद्र मोदी भारत के उन प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जिनके देश हित से जुड़े कामों की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी है। ऐसे में उन पर बनी बायोपिक दर्शकों को कितना लुभाती है ये देखना दिलचस्प होगा। नागपुर से पारस वैश्वारे की रिपोर्ट, इन 24 न्यूज के लिए।